Hi everyone, my name is Ankita. I am Onco Nutritionist, examonco.io. आज हम बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हेल्दी स्नैकिंग ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट. और बहुत सारे स्नैक्स हैं जो कि हेल्दी हैं और हम खा सकते हैं ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो. कल ही मैं कंसल्टेशन ले रही थी और मुझसे पेशेंट ने बोला कि मैम मैं तो चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ मैं बिस्किट्स और नमकीन लेना प्रेफर करती हूँ. तो फिर मैंने उनको गाइड किया कि कौन कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बिस्किट नमकीन जो होता है वो एक बहुत टाइम से चला आ रहा है, जो कि हम चाय के साथ लेना पसंद करते हैं, जो बिस्किट्स होते हैं और जो नमकीन होते हैं. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो हेल्दी स्नैकिंग और स्नैकिंग होता क्या है. कई बार मैं पेशेंट से बात करती हूँ तो कहते हैं मैम हम 2-3 बार ही खाना खाते हैं, बार बार खाना पसंद नहीं करते, और स्नैक लेना जरूरी क्यों है, पहले इस बारे में भी बात करेंगे. सो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है. कई बार आपको डॉक्टर बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना जरूरी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाएं, जिसमें 3 तो आपकी मेजर मील्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जिसमें कि हम एक होलसम मील खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता. तो ये हमारी एक प्रॉपर खाना हो गया जो हम दिन के खाने में खाते हैं या रात के खाने में खाते हैं या सुबह नाश्ते में खाते हैं. उसके अलावा जो हम चाय के साथ या हम दिन के खाने और रात के खाने के बीच में लेते हैं या हम सुबह के नाश्ते या दिन के खाने के बीच में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नैक आइटम. या फिर उसके बीच में जो हम खाते हैं वो सब चीजें हेल्दी कैसे हम कर सकते हैं. सो कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम चाय के साथ मैं एक टोस्ट ले लेती हूँ या एक बिस्किट खा लेती हूँ, थोड़ी सी नमकीन ले लेती हूँ, तो ये उनका स्नैक हो जाता है. सो बहुत बार ये मैंने पेशेंट से सुना है, जब हम डाइटरी रिकॉल लेते हैं कि पूरे दिन भर वो क्या क्या चीजें खाते हैं. सो आज मैं आपको कुछ बहुत ही फायदेमंद ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, न्यूट्रिशियस हैं, आपके लिए बेनिफिट्स हैं, उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला, आप सभी ने सुना है, घर में सभी के घर में होता है लेकिन यूज बहुत कम ही लोग करते हैं, जिसका नाम है मखाना. सो भुना हुआ मखाना बहुत ही कॉमन सा एक हेल्दी स्नैक है जो हम आराम से सुबह उठ के चाय के साथ या शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं. मखाने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. सबसे ज़्यादा वो हाई इन फाइबर होता है, उसमें कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. सो अगर उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा नमक या काली मिर्च डाल देते तो वो एक सबसे अच्छा हेल्दी स्नैक आपके लिए बन जाता है. उसके बाद आता है आपके नट्स, जो कि सबके घरों में पाए जाते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, अमूमन सभी के घर में होते हैं, बट कोई भी उसको एक हेल्दी स्नैक जैसा कंसिडर नहीं करता. सो जरूर कोशिश करें कि आप एक मुट्ठी भर बादाम, अखरोट रात को भिगो करके सुबह में खाएं, या फिर चाय के साथ में भून करके, रोस्ट करके, उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि एक वो हेल्दी हैबिट है. क्योंकि बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इतना हाई फाइबर होता है, उसमें इतने फायदे हैं जो कि आपको पता भी नहीं है और इतना हेल्दी ईटिंग में भी पाया जाता है. उसके बाद ये थर्ड जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ, ये भी शायद सभी के घर में होता है, जिसको हम बोलते हैं भुना चना. भुना चना सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और हेल्थ बेनिफिशियल भी होता है. ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है. इसको आप रोस्ट करके रख सकते हैं या रोस्टेड आपको मार्केट से ही मिल जाते हैं. इसकी आप चाट बना के खा सकते हैं या फिर आप इसको भून करके हल्का सा नमक, चाट मसाला डाल करके इसको चाय के साथ में शाम को ऐसे ही ले सकते हैं, जो कि आपको इतना हाई फाइबर होता है, प्रोटीन रिच होता है, प्लस ये आपको इतने हेल्थ बेनिफिट्स देता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. तो अगर आप इसको अपनी रेगुलर मील्स में लेते हैं, चाय के साथ या शाम में डिनर और लंच के बीच में लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है.
तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन सी चीजें बताई जो हमारे सबके घर में होता है बट कोई भी खाना पसंद नहीं करता। उसके बाद आता है पीनट्स। पीनट्स यानी कि मूंगफली, जो कि हम यूजुअली पोहा में डालते हैं या फिर हम लोग साबूदाना में डालते हैं, उसको भी हम लोग बॉईल करके उसकी बहुत अच्छी पीनट की चाट बना सकते हैं, या उसको रोस्ट करके हम लोग उसको थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के उसको भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही आपका हेल्दी स्नैक ऑप्शन बन सकता है। सो ये मैंने आपको कुछ हेल्दी स्नैक ऑप्शंस बनाए वर्सेस जो अनहेल्दी आप इतने टाइम से खा रहे हैं, मार्केट में मिलने वाले इतने अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव जो आप लोग पैकेट्स लेके आते हैं, भुजिया, नमकीन, खट्टा मीठा मिक्सचर, इतने सारे जो मिक्सचर्स आप लोग चाय के साथ लेते हैं, या इतने सारे शुगर लोडेड बिस्किट्स, रस्क, ये सब चीजें जो आप चाय के साथ खाते हैं, आइए जानते हैं इनके क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले ये सारे पैक आइटम्स हैं, इन सब में शुगर होती है। सारे बिस्किट्स अगर आप देखेंगे इन सब में शुगर एडेड होती है। शुगर आपके लिए वैसे ही नुकसानदायक है, जो कि हम अपनी बाकी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। दूसरा, इनमें प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सीफायर्स एडेड होते हैं जो कि इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए ऐड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ ये अगर आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, और ये तीसरी चीज, ये बेक्ड होते हैं। जो भी आइटम बेक्ड होगा वो कैंसेरियस या कार्सिनोजेनिक हो सकता है। सो अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं सो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। दूसरा, सबसे ज्यादा खाने वाला है नमकीन मिक्सचर्स। अगेन उसमें पाम ऑयल यूज होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे नुकसानदायक तेल होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, आप डिजीज कंडीशन में आते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर आप थोड़ा थोड़ा कभी, क्योंकि वो टेस्टी इतना होता है तो आप सोचते हैं चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा करते करते उसकी मात्रा कब बढ़ जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और वो कब बीमारी का कारण बढ़ जाता है हमें नहीं पता चलता। एक छोटी सी बात बताऊंगी, एक बार एक पेशेंट आई मेरे पास, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मैं तो घर का खाना खाती हूँ, सब कुछ अच्छा है, मैं कभी बाहर से कुछ भी नहीं खाती, लेकिन उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई थे। फिर मैंने सोचा एक बार उनका डाइटरी रिकॉल लेके देखते हैं, तो उन्होंने बोला मैम मैं सुबह उबली दाल खाती हूँ, लौकी की सब्जी ये खाती हूँ, बट मैम मैं शाम को जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो चाय के साथ मैं वो आलू भुजिया का पूरा एक पैकेट खत्म कर लेती हूँ। और मैंने वहीं पे उनको बोला कि यही कारण है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसी का वो कारण था। तभी वो समझ गई स्ट्रेस की वजह से कई बार, टेस्ट की वजह से आप वो चीज खाते जाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल शुगर इंटेक इतना बढ़ जाता है कि आप किसी ना किसी बीमारी के चंगुल में आ जाते हैं। सो हमको क्या खाते हैं, हमारे जो भी हम मार्केट से परचेज करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके पैकेट में क्या लिखा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज से इन सब चीजों, बिस्किट्स और नमकीन को रिप्लेस करेंगे हेल्दी स्नैक्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और फिट रहें। थैंक यू, टेक केयर।